अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं आज इतने अरसे के बाद लाइव आई सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों की दुआएं मिली कि आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस कि आप लोग किसी के अच्छे में हो ना हो, आप लोग जब किसी के बुरे में होते हो ना, मतलब जब किसी के बुरे वक्त में आप लोग साथ देते हो, दुआएं करते हो, लाइक लिटरली नॉट बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक सीरियसली दिल इतना बड़ा हो जाता है इंसान का। एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव लाइक ऑल ऑफ यू इन माय पेज। आई एम ग्लैड, but yeah, it's getting better, recover ho raha hai kafi zyada, aur I know kafi logon ne ye concern bhi show kiya ki kisi ne mara to nahi aapko, kisi ne kuch kiya to nahi. agar koi marta ya koi kuch karta, I would never upload my picture. main kabhi bhi apni picture na lagati, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई मारेगा तो मैं कैसे, मैंने सिर्फ इसलिए लगाई क्योंकि यू गाइस नो दैट कि मेरा 4-5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद भी मैं बहुत पॉजिटिव रही थी ज़िंदगी में। मैंने कोई अल्लाह से शिकायत नहीं की थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी जिससे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। मैं अभी भी ये लफ्ज़ कह रही हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे इस चीज़ के लिए चुना, या इस वक्त के लिए चुना, या जो अल्लाह ने, जो भी होते अल्लाह की प्लानिंग्स की वजह से होता है ना, मतलब क्या पता मेरे गुनाह मैंने जो अनजाने में किए या जान के किए वो शायद धोने होंगे अल्लाह मियाँ ने। तो ये कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। सीरियसली आप लोगों ने दिल जीता मेरा इस बार, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी दुआएं की आप लोगों ने। आई स्वेयर टू गॉड, आई वाज सो हैप्पी, यू गाइस मेड मी कम हियर लाइव टू टॉक अबाउट दिस थिंग। बट सीरियसली कोई मार नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता। बस ये कि अल्लाह पाक है साथ, आप लोग हो साथ, माँ बाप है साथ, और मैं अम्मी अबू के घर आई हूँ, अपने अम्मी अबू के ही घर पे गिरी। अभी उस जगह पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, वरना दिखाती कि कहाँ से मेरा पाँव फंसा और कहाँ से मैं गिरी। लव फ्रॉम टर्की, थैंक यू सो मच, आई लव टर्की, आई वुड लव टू कम टर्की अगेन। आई केम थ्राइस, I'll come again, definitely. बस आप लोग दुआ कीजिए कि ये बस कार ना छोड़े, but it's getting better. As you can see that, like scratches भी आए थे, but ये कि जो major, like you know, यहाँ ज़ोर से hit हुआ था और गर्दन पे, but ये कि I'm getting better. And love you guys, love you. आप लोग जितना लोग बुरा समझते हैं उतने बुरे आप लोग हैं नहीं। आप लोग प्यार देते हैं, आप लोग प्यार करते हैं, यार ये तो आई एम नॉट कोजी, हम प्रॉपर फेस स्वेल हुआ है, इसलिए आई कांट डू एनीथिंग। प्रॉपर स्वेलिंग हुई हुई है रो रो के, देखना बस इंशाल्लाह लमिया इस चीज़ से भी बाहर निकाल दें, तो बस फिर मैं अच्छा सा चेहरा आप लोग को, अपना फ्रेश चेहरा आप लोग को दिखाऊंगी। बस किसी ने लिखा हम कोजी, एम आई कोजी, लाइक ये तो चोट लगी हुई है अभी, डू आई लुक कोजी, डू आई लुक कोजी, tell me please.
फोन में नेट भी नहीं चल रहा है क्या? नो नो, यू आर ब्यूटीफुल। देखोगे कि परेशान ना हो प्लीज़। यू लुक थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे किसी ने भी लिखा कि यू लुक कोजी विदाउट मेकअप। डू आई लुक कोजी विदाउट मेकअप? प्लीज़ टेल मी, इट मीन्स लॉट टू मी। लाइक आप लोग का एक एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक आप लोगों को लगता है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं कभी नहीं भूलती। यू आर नॉट कोजी, यू आर जस्ट लव। थैंक यू सो मच। कैसी लगी चोट आपको? यार मैं सीढ़ियों से आ रही थी, मैं वहाँ पर बहुत डार्क हो रहा है उस एरिया में, वरना मैं आपको दिखाती। वहाँ पर स्टेयर्स पे मेरा कारपेट रिप्ड हुआ है, उसमें मेरा पाँव फंसा और मैं मुंह के बल गिरी हूँ। और लिटरली 2 सेकंड के लिए मुझे, मैं बिल्कुल, मेरे आगे ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं गिरी हूँ जिस वक्त, उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे चोटें क्या लगी हैं। मैं बिल्कुल नम हो गई और मेरी एकदम से चीख निकली। तो मेरी छोटी बहन जो बख्तावर है वो भागती भी गई अब्बू अम्मी को बुलाने के लिए। अम्मी अब्बू ने आया, उठाया, मुझे बेड पे लेटाया। और जब मैंने शीशा देखा फिर मैंने चीख मारी। लिटरली उससे पहले दर्द था, लाइक सर पे जो हिट हुआ मेरे, यहाँ पर हिट हुआ, दर्द था मेरे। लेकिन जो मैंने जब शीशा देखा और ये पूरा ब्लड यहाँ 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 सारा, और मैंने कहा शिट, क्योंकि मेरी आज आसिम जोफा की शूट थी, वो कल या परसों पे शिफ्ट हुई है। क्योंकि मैंने मेकअप करके देखा तो वो कवर हो रहा था। आई पुट दैट पिक्चर एज वेल। यू वोंट इवन इमेजिन कि मुझे चोट लगी हुई है, सीरियसली। बट ये कि यू वुड लव टू सी दैट, कि बट ये कि हर हाल में खुश रहना चाहिए। मैंने आप लोगों से ये क्यों शेयर किया? अदरवाइज मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था। सबके अपने परसेप्शंस होते हैं, अपनी अपनी थॉट होती है। ओह, इसको किसी ने मारा होगा, किसी ने इसके साथ कुछ सुन किया होगा, ये सीढ़ियों से नहीं गिरी, ये वो। मेरे काफ़ी अपने दोस्त, उन लोगों ने भी यही पूछा। बट नहीं, कोई नहीं मारता। अब तो बड़ी भी हो गई हूँ मैं, हमने 30s, सो अब कौन मारेगा। ये कि बस ये दुआ करें। या आई एम इन पाकिस्तान, मैं मम्मी अबू के पास काफ़ी टाइम से आ गई थी, क्योंकि मेरी जो एक्सीडेंट वाली टांग है वहाँ बहुत दर्द हो रहा था मुझे। और COVID-19 की वजह से वहाँ पर कोई भी, और मेरी टांग की कोई हिस्ट्री जानता नहीं था, इसलिए आई हैड टू कम लाइक यू नो अर्लियर। तो बस ये कि दवाइयाँ चल रही हैं। लव यू ऑल। बस मैंने कहा मैं 2 मिनट लाइव आके आप लोग को एटलीस्ट ये क्लियर कर दूँ कि मैं गिरी हूँ और आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो वर्ड थे मेरे लिए, जो जेन्युइनली वर्ड थे मेरे लिए, बाकी जो बुरा छोटा मोटा बुरा लिख देते हो उनको मैं बुरा नहीं कहूँगी, उनकी अपनी सोच है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। दैट्स ऑल आई कैन से फॉर देम। बट आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत दुआएं करते हो, और लव यू। आई होप आई एम नॉट कोजी विदाउट मेकअप। या जस्ट क्लियर मी लास्ट टाइम दैट आई एम नॉट कोजी, अदरवाइज आई विल नेवर कम विदाउट मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, अदरवाइज बिकॉज यू गोना से दिस। I love you too. I love you all. You guys are like after my like my mom and dad, my sisters, my after this family, you guys are my family. You're my Insta family. So I need to take care of you guys as well. I don't wear such clothes. I don't go any such places. I don't do such things because आप लोग को कन्विंस करना है, आप लोग को राज़ी करना है अल्लाह के बाद, बिकॉज आप लोग ही मायने रखते हो ना।
नो यू आर नॉट कोची, प्लीज़ इग्नोर करें, आई थैंक यू सो मच, बुरा नहीं कह रहा, आप इतनी सैड क्यों, सैड नहीं हूँ, मेरे जॉब पे लगा था ना, मैं अस्ताम लिखा, पता नहीं, ऊपर ही है, नहीं मैं ऊपर मोबाइल यहाँ पे, वो कहीं लेकर, तुम ले जाओ बेटा, मेरा जॉब पे लगा था और जॉब की वजह से ना मेरा लाइक प्रॉपर मुंह खुल नहीं रहा, सो या अभी वेट लॉस टिप ना पूछे, मैं बिल्कुल बताऊंगी नेक्स्ट अच्छे से मूड में आप लोगों को, पर अभी मेरा लाइव आने का सिर्फ मकसद ये था कि जो जो वर्डेड थे, जो जो पूछना चाह रहे थे कि हाँ मैं राइट ना, उनके लिए मैं सिर्फ लाइव आई, सो गाइस जावेद थैंक यू सो सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी, हम भूल जाते हैं कि हमने कब्र में क्या लेकर जाना है, सिर्फ इंसानियत लेकर जानी है, पैसा शोहरत, आप लोग भी अपना ख्याल रखें, मैं बहुत क्लमजी हूँ, मैं कहीं भी ठुड्डा खाती रहती हूँ, कहीं भी गिर जाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा मेजर हो गया इस बार, मैं सिर्फ मोटिवेट करने आई हूँ आप लोग को, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मैं बस जल्दी से इस चीज़ से, इस दर्द से निकाले, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू बाय, मे बी हुआ तो शाम को फिर आऊँगी लाइव आप लोग के लिए, ओके, Thank you.